कंचन लगा आधा घंटा हो गया है जब से दादी बाबा बोल रहे हैं कि जब से वो लोग आए हैं तब से तो बनाई है, उनसे भी पहले जो पीढ़ियां थी तब का भी बनाए, काफी साल पुराना है। अच्छा जी, मेरा नाम कामनी गुप्ता है। दो तीन घंटा हो गया। अरे यहाँ पर लोगों की इतनी ज्यादा श्रद्धा विश्वास निष्ठा है कि लोग यहाँ बहुत बहुत दूर से दर्शन करने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ आरती शर्मा और आपका स्वागत करती हूँ MSF न्यूज पर। लेके आए हैं बर्तना के एक और प्राचीन मंदिर पे जो कि स्थित है रामायण में। बर्तना के पास ही एक गांव पड़ता है रामायण, वहाँ पे ही ये मंदिर स्थित है जिसका नाम है रामायण मंदिर। ये शिव मंदिर है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि हमारे पीछे मंदिर की इमारत जो इतनी विशाल है जो कि बर्तना क्षेत्र में और कहीं नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर बहुत ही बड़ा बना हुआ है और बहुत ही पुराना है। हम आपको मंदिर के अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि मंदिर कितना बड़ा है, कितना विशाल है, और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, इसके वक्त हैं जो आज आए हुए हैं मंदिर पे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, मैं अभी स्टैंड पे खड़ी हुई हूँ तो आप देख सकते हैं चारों तरफ मेरी कितनी सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं, लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं बर्तना के, तो जहाँ तक है सारे लोग ही आ गए होंगे यहाँ पे, और भी बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और इस गांव की बहुत ज़्यादा मान्यता है, इससे मंदिर के कारण बहुत ही विख्यात हो चुका है ये गांव। आइए हम अंदर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कितना प्राचीन है ये शिव मंदिर। बात करते हैं यहाँ पे आए हुए लोगों से और जानते हैं कि मंदिर कितना पुराना है। मैम दिख रही है, मैम क्या नाम है आपका? शालिनी पठान। थैंक यू मैम। कब से आ रही है आप यहाँ पे? काफी साल हो गए, जब से हुए तब से तो बराबर ही आ रहे। तो आप कहाँ की है मैम? रामायण। अच्छा मैम बोल रही है, मैं यही की है। तो मैम को मंदिर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होती है, तो हम मैम से ही बात करेंगे और जानना चाहेंगे मैम कितना प्राचीन है ये मंदिर। जब से दादी बाबा बोल रहे हैं कि जब से वो लोग आए हैं तब से तो बनाई है, उनसे भी पहले जो पीढ़ियां थी तब का भी बनाए, काफी साल पुराना है। अच्छा, अभी हम भवन कुंड के पास आए हुए हैं और यहाँ के लोग राउंड लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, कहते हैं ऐसा करने से मान्यता पूरी होती है। हम मंदिर के वो हवन कुंड के अंदर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये हवन कब से चल रहा है और क्या मान्यता है इसकी। आ जाइए। नाम है आपका? अरुण मिश्रा है। तो ये हवन कब से चल रहा है यहाँ पे? ये चल रहा है एक सप्ताह हो गया। एक सप्ताह हो गया, जैसे कि सर बोल रहे हैं कि एक हफ्ता से हवन का कार्यक्रम चल रहा है, तो ये कब तक चलेगा सर? ये आज समाप्त है, शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि आज समाप्त है। अच्छा जी, सर बोल रहे हैं कि ये एक हफ्ते से चल रहा है हवन और ये आज समाप्त हो जाएगा महाशिवरात्रि के दिन। तो इस मंदिर की सर क्या मान्यता है? ये साहब 400 वर्ष पुराना शिव मंदिर है और बड़ा यहाँ सिद्ध स्थान है, श्रद्धालुओं का बहुत अटूट विश्वास है यहाँ। तो ये हवन सर किस लिए हो रहा है यहाँ पे है? ये हवन किस लिए हो रहा है? हवन तो ये इसीलिए हो रहा है, ये मंदिर के महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य हो रहा है, हर साल होता है, हर साल होता है, प्रति वर्ष होता है। जी, तो क्या मान्यता है इस मंदिर की मैम? बोले बाबा बहुत सच्चे हैं, जो भी विश मांगो तो सारी की सारी पूरी हो जाती है, इसलिए। तो हमें आगे सरोवर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, वो कैसे क्या है? सरोवर भी यहाँ का बहुत अच्छा है, यहाँ पे काफी सारी मछलियाँ हैं, बतके हैं जो सुंदरता बढ़ाती हैं, और यहाँ पे काफी सारे वृक्ष वगैरह लगे हैं जो शाम को छाया देते हैं। कब से हो रहा है ये हवन यहाँ पे? 4 तारीख से हो रहा है। 4 तारीख से हो रहा है। और समापन किस कब है इसका? आज 11 तारीख। ये मंदिर कितना पुराना है मैम? ये तो बहुत पुराना हो गया मैम, मान सकते हैं। अच्छा जी, तो आप शाम को भी आती होंगी मंदिर पे? कैसी भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे? अच्छी रहती है, प्रत्येक मतलब जो सोमवार तो अच्छी रहती है, बाकी के दिन भी काफी सारे श्रद्धालु वगैरह आते रहते हैं। तो यहाँ पे जो मेला लगा हुआ है हम लोग को दिख रहा है, वो हर साल लगता है? जी हर साल लगता है। तो सर क्या नाम है आपका? पंडित राम सेवक द्विवेदी। तो आप कब से यहाँ पे हवन करवा रहे हैं? 3 तारीख को ये रुद्रयाग का यहाँ शुभारंभ हुआ था और ये गत वर्ष होता है। ये किसी का व्यक्तिगत नहीं है, ये वर्षों सदियों पुराना मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का शिव शिव माने ही होता है कल्याणकारी, ठीक है, शंकर जी का मंदिर है ये। सभी से लोग जो हैं यज्ञ करते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है, और यज्ञाद भवत भूत पर्जन्यो पर्जन्यादन्य संभवा अन्नाद भवत भूतानि तस्माद यज्ञ समुद्कर्म भवा। यज्ञ से बारिश होती है, उचित वर्षा होती है, और उचित जब बारिश होती है तो पृथ्वी पर अन्न की पैदावार बढ़ती है और जिसको खाकर के ये प्राणी सभी खुशहाल होते हैं, इनको जीवन मिलता है। और क्या,
है। इस मंदिर की मान्यता पुराने की तो ये है कि जिस किसी से पूछो यहाँ को, अब हम तो मैनपुरी से आए हैं, यहाँ जिससे भी पूछेंगे तो कोई सही पता नहीं बता। बड़े अभी हमने आपको दिखाया, हम हवन कुंड में थे और हम यहाँ से बाहर आए और आपको हम पीछे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रास्ता है जो कि मंदिर के अंदर तक जाता है और हम चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा है ये शिव मंदिर। आइए अंदर चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं मंदिर प्रांगण के अंदर आ गई हूँ और यहाँ पे भीड़ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार लगी हुई है और लोग बहुत लाइन में लगकर भगवान के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं और भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, लाइन बहुत ही लंबी है। हम लोगों के बात करेंगे और जानते हैं कि कब कितनी देर में किसका नंबर आएगा। आइए बात करते हैं। कंचन लगा मैम, कब से आई हुई यहाँ मंदिर में, कितनी देर हो गई आपको? आधा घंटे के सब, आधा घंटा हो गया मैम, बोल रही उन्हें आधा घंटा हो गया है, वो लाइन में लगी हुई है। क्या नाम है? निर्जरा। कितनी देर हो गई है आपको मंदिर में आई हुई? आधा घंटा हो गया है। तो कितने दिनों बाद आई हुई है आप मंदिर? कब कब आई? एक साल बाद आई। एक साल बाद आई है। तो ये भीड़ बराबर सुबह से जब से आप आएंगे तब से ऐसी है? यस। और आगे चलते हैं। मैम क्या नाम है आपका? दीपा। दीपा, दीपा। मैम कितनी देर हो गई आपको मंदिर में आई हुए? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया है। तो मैम जब से आप आई है भीड़ ऐसी है? मैम बोल रही है मंदिर में बहुत भीड़ है और हम और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं भीड़ का आलम। क्या नाम है मैम आपका? यादव। कितनी देर हो गई है आपको मंदिर? हो गया आधा फोन घंटा लगे यार। भीड़ कैसी है मंदिर में? बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ कैसी है? अच्छी है भीड़। क्या नाम है आपका? शीला देवी। कितनी देर हो गई है आपको यहाँ? अभी देर हो गई है, दो घंटा हो गए। भगवान से मिलने की ज्यादा जल्दी है? भोले बाबा मिले। क्या नाम है आपका? रामपति। कहाँ से आई है आप? रानी बटना। कितनी देर हो गई है आपको यहाँ? एक घंटे से आप लाइन में लगी हुई है। नाम है आपका? मैम कितनी देर से लगी हुई है आप लाइन में? एक घंटा हो गया। तो मैम ऐसी भीड़ आपको और कहीं देखने को मिली है? नहीं मिली है। तिरुपति में मैम बोल रही है कि उनको ऐसी भीड़ तिरुपति में देखने को मिली है। जैसा कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, हम आपको जयंत वाली लाइन में भी ले जाएंगे और वहाँ पे भी दिखाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर शिव मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं चारों तरफ भक्तों की, शिव भक्तों की यहाँ पे लाइन लगी हुई है। इतनी भीड़ में शिव भक्त शिव जी के यहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से आपको यहाँ पे माहौल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भक्तों की काफी तादाद में भीड़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आपको बता दें ये जो स्थान है, ये जगह है और ये जो मंदिर है, आपको बता दें ये मंदिर जो है इटावा जनपद के बाढ़तना क्षेत्र में काफी प्राचीन मंदिर है और काफी विशाल मंदिर बना हुआ है जो कि रामायण में स्थित है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोग किस तरीके से यहाँ पे आए हुए हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हाथों में प्रसाद लिए हुए। आइए हम यहाँ पे लोगों से बातचीत भी करते हैं इस दौरान और जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से भगवान इच्छा इनकी पूरी करते हैं और कब से ये लोग यहाँ पे इस कतार में लगे हुए हैं भगवान की लाइन में। क्या नाम है आपका? रूमी देवी। आप कब से इस लाइन में लगी हुई है? दो तीन घंटा हो गया। दो तीन घंटे हो गए आपको लगी हुई? तो वैसे तो अगर बात करें बैंकों की या कहीं और जगह पे हम लोग 5 मिनट के लिए खड़े नहीं हो पाते। आज ऐसा आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे? भगवान के दर्शन करने आए भोले बाबा के, तो लाइन में खड़ा होने पड़ेगा। नहीं, दर्शन करने के लिए आप आए हैं? कितनी दूर से आए हैं दर्शन करने के लिए? हम बहुत दूर से हैं। कहाँ से आए? नगरा बारा से। जी, बारा के नगरा से। बारा के नगरा से। तो पैदल आए हैं या किसी वाहन से आए हैं? पैदल। तो आपने देखा ये लोग 10-10, 20-20 किलोमीटर से पैदल चलकर आए हुए हैं रामायण मंदिर में और यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। इतनी दूर पैदल चलने के बाद और इतने समय तक यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और लेकिन इनका मानना है कि हम दर्शन ही करके जाएंगे चाहे शाम क्यों ना हो जाए, क्योंकि जब भगवान के दरबार में आए हुए हैं तो दर्शन करना बहुत ही जरूरी है, कितनी भी कठिनाइयों का यहाँ पर सामना क्यों ना करने पड़े। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह मंदिर में बहुत ही भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार की बैरिकेडिंग को बाहर भी लोग निकल के आ रहे हैं और महिलाओं की भीड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रही है। आइए हम पीछे की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ का प्रसिद्ध सरोवर।
जैसा कि आप देख सकते हैं पुरुषों की लाइन सरोवर के अंदर तक लगी हुई है जो कि बहुत लंबी है और मंदिर तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है और लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं और भगवान के दर्शन पाने के लिए बेताब है और लाइन में लगे होकर भगवान का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आप मेरे साथ देख सकते हैं पीछे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं लाइन पास से और चलते हैं सरोवर के अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मंदिर का सरोवर है, ओम शिव सरोवर है इस सरोवर का नाम और हम पीछे चलते हैं दिखाते हैं। ये हमारे पीछे प्राचीन शिव मंदिर का सरोवर है जो कि रामायण में स्थित है। इस सरोवर में बहुत सारी मछलियां हैं, बहुत सारे जीव और भी है। यहाँ पे बतके हैं जो कि दोपहर में घूमती रहती है और अगर आप मछलियों को यहाँ पे लाई चना और भी बहुत सारी प्रसाद डालते हैं तो वो मछलियाँ बाहर आ जाती हैं जो कि दिखती हैं यहाँ पे। चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि कितना पुराना है ये शिव सरोवर। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा सुमन। कब से आ रही हैं आप यहाँ पे? हम बहुत दिनों से आ रहे हैं। कहाँ रहती हैं आप? बटना। बटना रहती हैं। माता जी बोल रही हैं वो बहुत दिनों से आ रही हैं और बटना रहती हैं। आपका क्या नाम है? शांति देवी। कब से आ रही हैं आप इस मंदिर में? हम आ गए हैं, साल खंड हो गए। कहाँ रहती हैं आप? जैतूपुरा। जैतूपुरा। आप कहाँ रहती हैं? जैतूपुरा। जैतूपुरा रहती हैं। क्या नाम है आप? सरला देवी। तो क्या मनोकामना लेके आई हैं आप मंदिर में? सब शांति मिले भगवान के द्वारे। थैंक यू। क्या नाम है बेटा आपका? जी। तो ये हमने आपको पूरा मंदिर घुमाया और यहाँ की भीड़ दिखाई, यहाँ की मान्यताओं के बारे में दिखाया और अभी हमारे साथ मौजूद है इटावा से हमारे संवाददाता शिवांग त्रिपोरी। हम बात करते हैं शिवांग जी से और जानते हैं कि क्या है मंदिर और क्या है। बताइए शिवांग जी क्या नाम? ये रामायण में प्राचीन शिव मंदिर है जहाँ लोग बड़े दूर दूर से आते हैं। लोग कहते हैं कि भरतना के ही लोग यहाँ शंकर जी के दर्शन करने आते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। लोग यहाँ से कई 15-15, 20-20 किलोमीटर से पैदल आते हैं। और क्या नाम है आपका? मैम मैं पूजा बोल रही हूँ। कहाँ से आई है मैम आप? भरतना से। भरतना से कब से आ रही है मैम आप इस मंदिर पे? जब से पैदा हुई। कितना पुराना है मैम मंदिर इस बारे में आपको जानकारी है? बहुत ही पुराना है बाबा। मैम क्या नाम है आपका? प्रियंका तिवारी। मैम कहाँ से आई हैं आप? हम यही उमर सेंडा पटना। उमर सेंडा कब से आ रही है मैम आप इस मंदिर पे? हम 12-13 साल हो गए। इस मंदिर के बारे में क्या मान्यता है मैम जो आप इतनी दूर से आती हैं? हम लोग ये मानता है मतलब यहाँ का मतलब जो भी हम लोग यहाँ मन्नत मान के जाते हैं वो भी बहुत अच्छे से मतलब हमारी पूरी होती है और उसके बाद मतलब हम लोग इनको बहुत मानते हैं। सावन के सोमवार हो या आज का दिन हो तो हम लोग बहुत मतलब कहीं पे भी होते लेकिन यहाँ दर्शन करने रोज आते हैं। हमें आपका? रजनी। रजनी कब से आ रही हैं आप इस मंदिर पे? आज आए। आज आई हैं तो कहाँ से सुना है आपने इस मंदिर के बारे में? कहाँ से सुना है आपने इस मंदिर के बारे में? अभी सुना था ककराई में रहते। क्या नाम है मैम आपका? अनु नाम। अनु मैम कब से आ रही हैं आप इस मंदिर? पहली बार आए। मैम कहाँ से आई हैं आप? उमरसेड़ा। उमरसेड़ा से आई है। कब सुना आपने इस मंदिर के बारे में? हमने बहुत ना सुना है। चलिए बेटा क्या नाम है आपका? अनन्या। कहाँ से आई हो आप? पटना से। कब से जानती हो आप इस मंदिर के बारे में? मम्मी। किस किस के साथ आई हो? अपने मम्मी पापा के साथ। अपनी मम्मी के साथ। इस बारे में हमको मंदिर के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। मंदिर कितने वर्ष पुराना है सर? बहुत पुराना है। हमारे तो हमारे बाबा मर गए और बाबा के पिताजी मर गए। बहुत पुराना मंदिर है। नमस्कार मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनीता है, पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी भरतना। और ये मैं यहाँ इस मंदिर से बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ और इस मंदिर की बहुत ही ज़्यादा मानता है और सबसे प्राचीन मंदिर भरतना में मुझे लगता है ये भरतना का सबसे प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर लोगों की इतनी ज़्यादा श्रद्धा विश्वास निष्ठा है कि लोग यहाँ बहुत बहुत दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं और मैं भी पूर्ण श्रद्धा से यहाँ दर्शन करने के लिए आती हूँ और जो भी मनोकामना होती है इंसान की वो यहाँ पूरी होती है तभी लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और इतना विश्वास है कि लोग यहाँ पर चाहे जितनी देर खड़ा रहना पड़े लाइन में घंटों लाइन में लग के और दर्शन करते हैं और ईश्वर का पूरा मतलब उनके ऊपर विश्वास है, श्रद्धा है और ईश्वर का उन्हें पूर्ण वो भी मिलता है, फल मिलता है। इसलिए हम लोग यहाँ ईश्वर का दर्शन करते हैं, भोलेनाथ का दर्शन करते हैं ताकि सबको उनका फल मिले और जो भी मन में जिसके भी श्रद्धा विश्वास होता है वो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है।
धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, हमने आपको मंदिर के अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बहुत थी इसलिए हम आपको मंदिर के अंदर नहीं ले जा सके। नेक्स्ट टाइम हम आपको जरूर मंदिर के अंदर लेके जाएंगे और दिखाएंगे मंदिर के परिसर का अंदर का नज़ारा और करवाएंगे भोलेनाथ के दर्शन। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्षेत्र में इस वीडियो को और भी पहुँचाने के लिए शेयर कीजिए। थैंक यू।